हेलो दोस्तों, क्या आपको बदहजमी होना, गैस होना, खट्टी डकार होना और साथ ही साथ इनडाइजेस्ट होना, ऐसी छोटी मोटी समस्याओं से आप परेशान रहते हो? तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारी समस्याओं को नष्ट करने वाली दवाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गैसेक्स के बारे में। आज हम कवर करेंगे गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप के फायदे क्या है, उसकी साइड इफेक्ट क्या है, गैसेक्स सिरप एवं टेबलेट कैसे काम करती है और गैसेक्स का डोजेज क्या है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई वीडियो आप मिस ना करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर फार्मा फ्रेंड में। मैं हूं आपका दोस्त देवान सोलंकी। सो लेट्स लर्न द न्यू थिंग्स। मार्केट में काफी सारी एलोपैथी टेबलेट एवं सिरप अवेलेबल है जो गैस, कब्ज एवं बदहजमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन हिमालय जो की जो टेबलेट एवं सिरप है वो टोटली आयुर्वेदिक है और उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। अब हम बात करते हैं हिमालय गैसेक्स के फायदे के। अगर किसी को कब्ज हो गई हो, इनडाइजेशन हो गया, यानी कि खाना खाने के बाद वो हजम ना हो रहा हो, तो भी वो ये सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद तुरंत लेटरिंग अगर जा रहे हो तो भी वो इस ये गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। खाना खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा हार्ट बर्न यानी कि सीने में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही हो तो भी वो गैसेक्स टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिटी की वजह से उसको सिरदर्द हो गया हो, उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा हो किसी किसी व्यक्ति में, तो भी वो गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्टमक में माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया हो तो भी आप गैसेक्स टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। डाइजेस्टिव के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है तो भी आप गैसेक्स टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी पेट को साफ करने के लिए भी गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को भूख ना लगने की समस्या है तो भी वो गैसेक्स टेबलेट का इस्तेमाल करता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को एब्डोमिनल एक्सरे करवाना है तो उस टाइम के दौरान भी गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप इस्तेमाल की जाती है। और कभी कभी पोस्ट सर्जरी के बाद भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट किसी पेशेंट में दिख रहा है तो डॉक्टर्स जो है वो गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप का इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानते हैं गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप का डोजेज क्या है। गैसेक्स टेबलेट खाना खाने के बाद 2 टेबलेट सुबह शाम लेने की सलाह दी जाती है एवं गैसेक्स सिरप सुबह शाम 10 ml खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है। गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप में काफी सारे आयुर्वेदिक तत्व एवं मिनरल्स मिलाए गए हैं। अब हम जानते हैं गैसेक्स टेबलेट्स के कंटेंट क्या है, जिसमें है प्रतिविषा, कौड़ी भस्म, शंख भस्म, मिरीचा, त्रिफला, सुंदी, अदरक। ये सारे घटक आम पाचक के रूप में काम करते हैं, यानी कि आपके पेट में बना हुआ गैस को कम करते हैं। त्रिफला जो है वो आपके कब्ज को कम करता है। अदरक जो है वो आपके लीवर से बाइल एसिड का सिक्रेशन बढ़ाता है, इसकी वजह से आपका जो गैस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। विदंगा आपके शरीर में ना पचे हुए फूड के तत्व को आपके शरीर से बाहर निकालता है और साथ ही साथ छोटे छोटे कीड़े का इन्फेक्शन यानी कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो हो गया होता है उसे खत्म करता है। अब हम जानते हैं गैसेक्स सिरप के कंटेंट्स क्या है, जिसमें है जीरा, त्रिकटू, जंगली टंकसार, सौंफ के बीज, हल्दी, इलायची एवं धनिया। गैसेक्स सिरप 2 फ्लेवर में अवेलेबल है, जिसमें जिंजर लेमन फ्लेवर एवं इलायची फ्लेवर। गैसेक्स सिरप 200 ml में आती है और उसकी जो MRP है वो है 110 रुपए। अब हम जानते हैं गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप कैसे काम करती है। तो गैसेक्स जो है वो आपके शरीर में ना पचे हुए खाने के पार्टिकल्स को पाचन करता है यानी कि हजम करता है। साथ ही साथ गैसेक्स में अवेलेबल सारे जो कंटेंट है वो आपके पीक को बैलेंस करते हैं और गैसेक्स में अवेलेबल सारे कंटेंट्स आपके लीवर में रहा हुआ बाइल का एसिड का सिक्रेशन बढ़ाते हैं और इसकी वजह से आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। अब हम जानते हैं गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप अगर आप सेवन कर रहे हो तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने वाले हो या प्रेगनेंसी है तो आपको गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप का सेवन कर रहे हो तो अल्कोहल को कंज्यूम ना करें। गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप का जो डोज आपको लिखा गया है डॉक्टर ने, उस हिसाब से इसको कंज्यूम करें। ज्यादा अमाउंट में इसका डोज कंज्यूम ना करें। साथ ही साथ गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप के कोई भी कंटेंट से अगर आपको एलर्जी है तो भी आप गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप का सेवन ना करें। अब हम जानते हैं गैसेक्स टेबलेट एवं सिरप के साइड इफेक्ट क्या है। हिमालय कंपनी का दावा है कि गैसेक्स में कोई भी साइड इफेक्ट देखे नहीं गए, लेकिन अगर आपको ड्यूडेनल अल्सर है तो भी आपको ये गैसेक्स सिरप का सेवन नहीं करना है। अगर आपने गैसेक्स सिरप एवं टेबलेट लेने के बाद कोई भी साइड इफेक्ट जैसे कि वॉमिट एवं हेडेक अगर आप महसूस करते हो तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें।
किसी का क्वेश्चन है कि एक दिन में कितनी बार गैसेक्स टेबलेट का सेवन कर सकते हैं। एक दिन में आप खाना खाने के बाद मैक्सिमम 2 टेबलेट गैसेक्स टेबलेट का सेवन कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गैसेक्स टेबलेट खाना खाने से पहले ली जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, गैसेक्स टेबलेट खाना खाने से पहले ली जा सकती है, लेकिन उस टाइम के दौरान आपका जो स्टमक है वो टोटली एम्प्टी होना जरूरी है। ये थी गैसेक्स टैबलेट एवं सिरप के रिगार्डिंग पूरी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और सारे लोग गैसेक्स टैबलेट एवं सिरप के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पा सके। और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कौन सी प्रोडक्ट एवं डिशेज के बारे में जानना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दवाइयों का सेवन करने से पहले उसका सही डोज जान लें। धन्यवाद।